हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल एक ऐसी चीज़ लेके आई हूं, यानी हाइजीन से रिलेटेड ही चीज़ लेके आई हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर 70-75% लेडीज़ हैं। और अगर आप लोग मुझसे इतना जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं आपको हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें अवेयर कराऊं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में हैं जो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, हमारे लिए काफ़ी इजी कर देंगी हमारी लाइफ, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ही सस्ते रेट में हैं, लेकिन आप लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते हो। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई पार्लर जाता है, हर कोई हेयर स्पा कराने जाता है, हर कोई स्पा बॉडी स्पा कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने सबसे प्राइवेट पार्ट को भूल जाते हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। बिकॉज उससे ही कहीं ना कहीं अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चाहे पीरियड को लेके हो, चाहे बाय डिस्चार्ज को लेके हो, चाहे इन केस प्रेगनेंसी को लेके हो, अगर उस चीज़ पे हमने नहीं ध्यान दिया। एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, आपका फेस है, ठीक है, आप फेस पे एक अलग से फेस वैक्स लेते हो, आप हैंड पे ना जाने कितनी वैरायटी चल गई है, रीका वैक्स, चॉकलेट वैक्स, वाइट वैक्स, नॉर्मल वैक्स, फेस वैक्स, सारी चीज़ों को हटाने के लिए अलग चीज़ें आ गई हैं। बिकॉज फेस के लिए फेस वैक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें केमिकल कम होते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म कम फैलाती है, कंपैरिजन हमारे जो हम अपने हैंड वैक्स लेते हैं उससे। तो हम फेस वैक्स अलग से लेते हैं, हैंड वैक्स अलग से लेते हैं, सेम उसी तरह वेजाइना का भी वैक्सिंग अलग होती है, लेकिन वो पेनफुल होती है। और आई थिंक हम इंडियंस बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ और अपने से कनेक्शन की हुई गर्ल्स की बात कर रही हूँ, कि हम इंडियंस कहीं ना कहीं जो है वो बिकनी वैक्स करवाने नहीं जाएंगे। आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई शर्माएगा। बहुत से बोल्ड लोग होंगे जो करवाते होंगे, लेकिन मैं जो जिस एटमॉस्फेयर में मैं रहती हूँ, जिस उसमें मैं रहती हूँ, जो लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं, वो लोग बिकनी वैक्स करवाने नहीं जाएंगे, और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है, तो इसलिए लोग नहीं करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ, जिस तरह से आप अपने फेस का वैक्स अलग से करवाते हैं, हैंड वैक्स अलग करवाते हैं, सेम उसी तरह आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी वेजाइना की वैक्सिंग किस तरह से करें, और बहुत ही नेचुरल वे में, अगर मैं बोलूं तो 100% नेचुरल है और बिना पेनफुल। सबसे बड़ी बात है बिना पेनफुल, क्योंकि अगर आपने सोप या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ की, गलत चीज़ें यूज़ की, तो काफ़ी हार्मफुल रहेंगी। सेम इसी तरह आपने अगर लेज़र यूज़ कर ली या किसी भी तरह की और चीज़ें यूज़ कर ली, तो आप भी जानते हैं कि कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं और आपको प्रॉब्लम भी होती है। आई थिंक मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपसे को इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ, वो है एवरटीन का बिकनी लाइन हेयर रिमूवर, जो कि नेचुरल है, और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी हार्श स्मेल नहीं है। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जब आप हेयर रिमूवर क्रीम लेके आते हो और अगर आपने उससे हेयर रिमूव कर लिया, तो पूरे दिन मेरे दिमाग में वो स्मेल चढ़ी रहती है और मैं नहीं यूज़ कर पाती हूँ। तो इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी, प्राइस बताऊँगी, और सेंसिटिव स्किन फॉर्मूला है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि आपकी वजाइना को कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इस सारी चीज़ों को बताने का मेरा इंपॉर्टेंस यही है, मेरा मकसद यही है कि हर चीज़ के लिए अगर आप अलग चीज़ यूज़ करते हो, अगर आपने फेस के लिए कोई चीज़ अलग यूज़ कर ली, तो आपको दाने और सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम इसी तरह अगर वेजाइना के लिए आपने गलत चीज़ यूज़ कर ली, तो आपको इसके परिणाम आज नहीं तो कल भुगतने पड़ेंगे। अगर केमिकल, आप जानते हैं कि साबुन में कितना ज़्यादा केमिकल होता है, कितने हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने लेज़र यूज़ की या फिर किसी भी तरह की कोई भी यूज़ की, तो वो काफ़ी हार्शनेस देंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्लोज लुक मैं इसका देती हूँ और बताती हूँ कि इसका प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है एवरटीन का हेयर रिमूवर बिकनी लाइन, जो स्पेशली इसी के लिए है, और नेचुरल कैमामाइल एक्सट्रैक्ट है, और जो कि
मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट देते हैं, नो हार्श स्मेल है, इन ग्रोथ हेयर है, रेजर बम्प है, कट्स नेक और बर्न की प्रॉब्लम है, स्किन डार्कनिंग है, मतलब ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है कि आपको प्रॉब्लम होगी। और मैंने जैसे कि मैं बताती हूँ कि इनके प्रोडक्ट के साथ मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगता है कि इसकी एक्सपायरी जो है मैन्युफैक्चरिंग 12/2019 यानी दिसंबर की है और एक्सपायरी 2021 यानी नवंबर 2000, 1 साल के भी सेल्फ लाइफ ये नहीं देते कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के प्रोडक्ट को यूज़ करें, और काफ़ी नए बैचेस आते रहते हैं तो इसलिए आपको एक्सपायरी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से 1 साल रख के आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं अब आपको इसके अंदर दिखाना चाहूँगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो एक क्रीम मिलती है, एक आपको इस तरह से हेयर निकालने के लिए मिलता है, और इस तरह से आप, और हाँ गाइड भी मिलती है सारी, आराम से आप इसमें जितनी भी गाइड है सब कुछ पढ़ कर कर सकते हैं। और इस तरह से एक कैप्सूल मिलता है, आप सोचेंगे एक कैप्सूल का क्या यूज़ है, तो वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इस कैप्सूल का भी क्या यूज़ है वो भी आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है मैं पूरा करके आपको बताती हूँ। ये क्रीम लगा के रखना है, क्रीम आपको लगानी है, ठीक है, इसको लगा के रखना है। देन उसके बाद आपको इससे क्रीम को जो है हटा देना है जिससे सारे हेयर्स आपके निकल आएंगे। देन उसके बाद इस कैप्सूल का काम है, आपको पानी लेना है और इस कैप्सूल को पानी में डाल देना है। कैप्सूल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये पूरा आपको एक टिश्यू मिल जाएगा, और जिसके बाद आप अपनी वेजाइना को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेना है कि कोई कपड़ा लेना है या कुछ भी, सारी चीज़ें प्रोवाइड है, जस्ट पोंच के आपको सारी चीज़ें हटा देनी है। तो इस तरह से आपको इसमें 2 कैप्सूल्स मिलते हैं, और ये है एवरटीन का प्रोडक्ट जो कि 100% नेचुरल है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इनका कॉल नंबर भी है, इनसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इनके हैं। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। हाइजीन से रिलेटेड मैं बोलूँगी अगर कोई बेस्ट कंपनी है तो वो है एवरटीन। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, और मैंने आपको रेट भी बता दिए हैं। प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 149 रुपये, जो कि मार्केट से काफ़ी कम है, और एक्सपायरी और सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी हैं। और मुझे एवरटीन के प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छे रहते हैं, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होती, जो चीज़ नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है वही होती है उसमें, वो कोई भी इसमें परफ्यूम नहीं डालते हैं। और मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है कि ये नेचुरल चीज़ें ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इनका वेजाइना वॉश लेना चाहते हैं तो वो भी ले चल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ, और आई थिंक उसका वीडियो भी होगा, अगर मिलेगा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इस प्रोडक्ट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग के पास कोई भी प्रोडक्ट आ गया और मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं, मैंने आपके साथ इसका वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है, तो तब से लेके आज तक मैं यूज कर रही हूं और काफी अच्छा बेनिफिट रहा है। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।